निधर्मी जनता दल राज्य कोर कमिटी सदस्य व मलप्रभा साखर कारखान्याचे चेअरमन नासिर बागवान यांच्या वाढदिवसानिमित्त गुरुवारी संपूर्ण दिवस खानापूर शहरामध्ये विविध कार्यक्रम व शुभेच्छा समारंभ पार पडला। समारंभाला खानापूर तालुक्यातून विविध जेडीएस नेते मंडळी कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून निजतचे राज्याध्यक्ष सीएम इब्राहिम होते। यावेळी ते बोलताना म्हणाले की क्रांतिवीर संगोळी रायण्णा यांच्याबरोबर नासिर बागवान यांच्या पूर्वजांनी स्वतंत्र लढ्यासाठी काम केले आहे। देशसेवेचा वसा बागवान यांच्या रक्तात आहे, त्यामुळे ते जनतेच्या कल्याणाबरोबर सर्व धर्मियांना समान मानतात। गोरगरिबांची सेवा करून स्वखर्चाने रस्ते व पूल बांधून जनतेचा त्यांनी आशीर्वाद घेतला आहे असे ते म्हणाले। वक्त सुरू हुआ 23 मे इलेक्शन होता, जून को इंशाल्लाह असेंबली को चुन को आते अच्छा होता भी मिलता उनको। वहां मैं आज बोल को जा रहा हूं, तुम ना बॉर्डर एरिया ये खानापुर यहाँ और बहुत डेवलपमेंट होना है। मादाई का पानी आना है, कृष्णा योजना आना है। 5 साल में हर किसान के जमीन को पानी मिलता, ये वादा जो है आज कुमार स्वामी देवेगौड़ा की है, वो वादा हम पूरा करेंगे। तो इसलिए वक्त की कमी की वजह से मैं लंबी तकरीर करना नहीं चाहता। आज कुमार स्वामी नहीं आ सके, दूसरे उनको प्रोग्राम में जाना था। मैं बोला फोन में नासिर भगवान का प्रोग्राम चुका सकते, लेकिन सीएम इब्राहिम चुकाने को वास्ते मैं तैयार नहीं, क्योंकि आज जो है ये मेरी पार्टी की शान है, मेरी पार्टी की ताकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेटों ने अल्लाह उनको नजर बस से बचाए, इनकी उम्र दराज हो, ये दो बच्चे भी बाप को देखो नक्शे कदम के ऊपर, बाप के नक्शे कदम पर चलो। लोग की चाहत जीते स्टेप को कितने में आए ये बड़ी बात नहीं, मरे के बाद जनाजे को कितने में आए ये सबसे बड़ी बात। इंसान की कोई दौलत नहीं रहती। मैं यही हूँ, 1.5 करोड़ की कार सांस चले गई, इब्राहिम कर बोलते नहीं मुर्दा मैयत, उठा ले जाती किसमें, जर्मन का पलंग नहीं, मस्जिद का पलंग है, खैरात का पलंग, भीख की जगह कब्रिस्तान। ये मेरी और आपकी हालत, इंसान की हैसियत ही चलती। दिया सो मेरा, रख लिया सो दूसरे का, जो दिया वो मेरा, रख लिया सो मारा मारी नहीं। लेकिन नासिर भगवान साहब ये कदम हर जगह खैर खैरात, हर आदमी को मदद करते हैं। अल्लाह ताला अच्छे दो बच्चों को दिया, बेटियां भी दिया, इनकी नस्ल बढ़े दे। बच्चा को एज बोलते हो, एक दो बच्चे नहीं, घर भर को बच्चे रहना याद रख लो। कंजूसी करने जोनों को अल्लाह दौलत जिया, ज्यादा बच्चे पैदा करो। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एक MLA कैंडिडेट को तैयार करने का मौका आता, बस इसलिए निम्मेलरिगे निर्दंता तंदे तायंद्रे नमस्कारसि इवन आरव इवन आरव एनिसिदरय्या इवन अम्मव एनसय्या एनकंत मातन हेळ्ता सत्कार झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या भाषणात पाणी वीज अशा मूलभूत सुविधांसाठी सध्या धडपडावे लागते, पण भविष्यात आपले सरकार आल्यास विविध सुविधांबरोबर संघाचे कर्ज मुक्त केले जाणार असा विश्वास त्यांनी दिला व विरोधी गटात चाललेले सीडी प्रकरण व एकमेकांवर होणारे प्रत्यारोप याबद्दल त्यांनी टीकास्त्र देखील सोडलं आहे। महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, खानापूर।